आज हम सीखेंगे कंटूरिंग कैसे बनाना है, ठीक है। उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे पहले ऑटोकैड अपना। ठीक है, हमारा ऑटोकैड ओपन हो गया है। उसमें हमारा ई सर्वे कैड में अपना यहाँ पे पूरा मेनू दिखेगा ई सर्वे कैड का, ठीक है। हम इसके अंदर डीएक्स से भी कर सकते हैं। डीएक्स ऐप में अपना मान लीजिए कि कैड में एलिवेशन टेक्स्ट में होना चाहिए, ठीक है, या सीएसवी है, तो हम डायरेक्ट सीएसवी से ये अपना कंटूर बना सकते हैं। तो इसके लिए हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले हम ई सर्वे कैड के अंदर जाएंगे टोपो ड्रो में, डायरेक्ट टोपो ड्रो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा ऐसा। उसमें अपना पहले सीरियल नंबर रखा होगा, स्टिंग, फिर नॉर्थिंग, एलिवेशन, रिमार्क्स यानी कोड, ऐसे अपने को सीएसवी में सिस्टम वाइज रखना होगा। सीएसवी में ऐसे रखेंगे और वही फाइल अपने को यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। तो मैं ये फाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा ऑलरेडी डेस्कटॉप पे पड़ा है फाइल, ठीक है, कमलापुर कंट्रोल, ऑलरेडी मैंने सारा सेटअप उसमें करके रखा है जैसे उसको रिक्वायरमेंट है। इसको मैंने फाइल को ओपन कर लिया, अपना यहाँ फाइल का पाथ भी दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको कोई सेटिंग करना है या ईस्टिंग नॉर्थिंग शो करवाना है, जो भी करना है वट एवर, तो यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। मान लीजिए कि रिमार्क्स यानी अपना जो कोड है, कोड तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं और यहाँ सेव कर देंगे, तो अपना कोड यहाँ ऊपर हो जाएगा। मान लीजिए कि हाँ मैं 2 कर देता हूँ तो पास में आ जाएगा, 1 के पास में रह जाएगा, ठीक। ऐसे आप पूरा सिस्टमेटिक यहाँ कर सकते हैं। ऐसे आपको एक्स और वाई भी चाहिए क्रिएट करना है, तो यहाँ पे एक्स और वाई की पोजीशन यहाँ हम शो करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, -1 और यहाँ -2, जो अपना ये गैपिंग है वो नियरेस्ट हो जाएगा। तो ये पूरा अपना सेटिंग ऐसे कर सकते हैं, ठीक। एक्स तरफ करना है, वाई की तरफ करना है, कैसे करना है वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं सारा चीज़। उसके बाद क्या है, अपना सेटिंग हो जाने के बाद हम यहाँ सेव कर देंगे और क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम इम्पोर्ट स्टेप 1 पे इम्पोर्ट करेंगे डेटा अपना, ठीक है। मेरा टोटल 40 to 41 पॉइंट्स है, वो इम्पोर्ट हो गए हैं, ठीक है। अब उसको हम कैड के अंदर जनरेट कर लेंगे, तो उसके लिए हम स्टेप 4 जनरेट बटन पे क्लिक कर देंगे। 1-2 मिनट वेट करेंगे, जब तक अपना डेटा इम्पोर्ट नहीं हो जाता। ज़्यादा डेटा होगा तो ज़्यादा टाइम लेगा, कम डेटा है तो आपको कम टाइम में आपका डेटा इम्पोर्ट कैड में करके दे देगा। हमारा डेटा इंपोर्ट हो गया, यहाँ डिस्प्ले भी हो गया है सारा डेटा, सिंबल के साथ यहाँ पे अपना सारा आ जाएगा। जैसे टेम्पल है तो टेम्पल का लोगो आ गया, उसकी जो कोड है उस कोड के हिसाब से पूरा यहाँ इंपोर्ट हो जाएगा पॉइंट। अपने को अभी सिर्फ एलिवेशन लेयर 1 रखना है,
बाकी सारे लेयर हम बंद कर देंगे। उसके लिए कमांड रहेगा ओ एफ, यानी लेयर ऑफ का कमांड है। आप जिस पे क्लिक करेंगे वो सारे लेयर में बंद हो जाएगा। फिर से हम दोबारा एंटर करेंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अपने को सिर्फ एलिवेशन ही रखना है इसमें, बाकी सारे लेयर हम ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक पॉलीलाइन ड्रॉ करेंगे, क्लोज क्लोज पॉलीगॉन बना देंगे, जितना आपने उसके अंदर कंट्रोल करना है वैसा क्लोज पॉलीगॉन हम बना लेंगे। सी टाइप करके एंटर कर देंगे तो अपना ये क्लोज पॉलीगॉन बन जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे ई सर्वे कैड में कंट्रोल सेटिंग। कंट्रोल सेटिंग में आपको यहाँ पे कंट्रोल कितना रखना है उसके हिसाब से कंट्रोल इंटरवल डाल दीजिए, ग्रिड कितने बाय कितने की चाहिए वो डाल दीजिए, ठीक है। मेरे को अभी 5x5 की रखनी है तो मैं 5x5 रख लेता हूँ, ठीक है। ये बाकी सेटिंग सेम रहेगा, उसको अप्लाई करेंगे और क्लोज कर देंगे। ये अपना कंट्रोल का सेटिंग हो गया। अब जाएंगे जनरेट कंट्रोल, या आप सीधा कमांड CCONB टाइप करके एंटर करोगे तो सीधा डायल ऐसे ही आ जाएगा। तो अभी नीचे आ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे जितना भी अपना है वो सारा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हमने ऑलरेडी डेटा सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद बाउंड्री का यस या नो एक्सपोर्ट बाउंड्री, तो हम क्या करेंगे वाई एंटर कर देंगे। फिर से दोबारा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरी बार हमको बाउंड्री सिलेक्ट करवाना होगा तो उसके लिए हम पूरा ही डेटा दोबारा सिलेक्ट कर लेंगे, अपना बाउंड्री भी सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और थोड़े टाइम वेट करेंगे, जब तक अपना कंट्रोलिंग जनरेट नहीं हो जाएगा तब तक वेट करेंगे। कंट्रोल जैसे हो जाएगा आपको डिस्प्ले में दिख जाएगा, ठीक है सर। ये अपना कंट्रोल पूरा जनरेट होके रेडी है, तो ऐसे पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। बस यही अपना है कंट्रोलिंग का प्रोसेस। थैंक यू।